हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल के आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल से। तो हम इस वीडियो में अलग अलग लोकेशन से आई तीन स्कूलों की वैकेंसियों की डिटेल के बारे में कवर करेंगे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जो टीचिंग वैकेंसी आती है उन सभी की अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहती है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट की जो TGTPD की वैकेंसी होती है वो आपको सुबह 9 बजे तक का नोटिफिकेशन मिल जाता है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको 5 बजे तक मिल जाता है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ, कवर करेंगे बिना देर के ये डिटेल। तो ये जो नोटिस जारी हुआ था, तो यहाँ से जो है इंटरव्यू देख सकते हैं, डायरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस सब्जेक्ट की। तो देखिए TGT हिंदी में रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने देखिए क्वालिफिकेशन भी आगे के मेंशन की हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं TGT की। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, या फिर आपने 4 वर्ष का जो है DLED किया हो, ठीक है ना, या फिर कह रहे हैं NCERT में BEd हों आप या DLED हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री लास्ट, यानी कि जो BA या UG आपने किया है वो 50% मार्क्सों के साथ किया हो, किसमें, हिंदी में विद प्लस संस्कृत में, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल आपके पास क्या रही हो, हिंदी रही हो प्लस CTET या TET क्वालिफाई हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए क्या रहा है, प्रोफेशनल इन द सब्जेक्ट, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग अपलोड सेकेंडरी क्लासेस आपके पास, यानी कि वरीयता दी जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो। अब कवर करते हैं, तो देखिए TGT PTI में रिक्वायरमेंट है फीमेल की, तो बैचलर डिग्री हो आपके पास और फिजिकल एजुकेशन में हो और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT इंग्लिश की बात करें तो इंटीग्रेटेड या DLED, BLED या BEd, और ग्रेजुएशन में आपके पास जो है इंग्लिश रही हो लास्ट ईयर में, 50% मार्क्स हों, टेट सी टेट क्वालिफाई हों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TGT मैथ की बात करें तो 4 ईयर एक्सपीरियंस हो आपके, 4 ईयर डिग्री कोर्स हो, DLED, VLED, BTC, और जो है आपने जो है BSc की हो 50% मार्क्स के साथ प्लस नेट सेट क्वालिफाई हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PRT स्पेशल एजुकेशन की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स इंटरमीडिएट और 50% मार्क्स जो रिलेटेड और पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट की कोर्स है, CTET पास होना चाहिए आप, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। PRT की बात करें इंग्लिश में, तो जो है आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50% मार्क्स हों प्लस आप क्या कर सकते हैं, देखिए CTET या TET क्वालिफाई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सैलरी इन्होंने जो मेंशन की हुई है, सैलरी क्या रहने वाली है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो अपना बायोडाटा जो है इस मेल के माध्यम से 15 दिन के अंदर सेंड कर सकते हैं। और जो आपकी सैलरी है, देखिए TGT PRT 26,250 और 21,250 रहने वाली है। अगली नोटिफिकेशन निकल का आया नेक्स्ट स्कूल से, संस्कार ग्रुप ऑफ साइंस है, तो यहाँ से जो है प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, फीमेल प्रेफरेंस यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट होगी उसे जो है वरीयता दी जाएगी। तो जो एकेडमिक को कोऑर्डिनेटर 5 ओनली एक्सपीरियंस्ड, यानी कि जो को एकेडमिक को कोऑर्डिनेटर है 5 पोस्ट हैं, और को जो है ओनली एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई करे जाएंगे। देखो एक्सपर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट किस किस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, NDA इंग्लिश जनरल साइंस की रिक्वायरमेंट है। और सैलरी की बात करें तो टोटल जो पैकेज रहेगा वो 12 लाख से 50 लाख के बीच में रहेगा। PGT की बात करें तो फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है और GS है, तो इसके जो सैलरी पैकेज की बात करें तो 5 लाख से 10 जो से 30 लाख के बीच में रहने वाला है। TGT की बात करें तो देखिए इंग्लिश है, मैथ है, साइंस, सोशल साइंस और रीजनिंग GK, 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहेगा। फ्रॉन्टिक्स एक्सिक्यूटिव मार्केटिंग हेड और होटल वार्डन की रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन इंटरव्यू रहने वाला है इसका, तो एसपेंड द रिक्वेस्ट द सेंड दियर एप्लीकेशन द रिज्यूम थॉट मेल ऑनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑफ द सचिंग टेस्ट इंटरव्यू। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो मेल के माध्यम से अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। वेन्यू देखिए क्या है, संस्काराम पब्लिक स्कूल जय झरझर हरियाणा से, या आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, सैलरी काफ़ी अच्छी देने वाली है और इंटरव्यू प्रोसेस भी ऑनलाइन है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई है हमारी नेक्स्ट लोकेशन से, नेक्स्ट वैकेंसी हमारी किशोरी
इंटरनेशनल स्कूल से, तो यहाँ से रिक्वायरमेंट है पीजीटी केमिस्ट्री में और टीजीटी इंग्लिश और मैथमेटिक्स साइंस में, तो जो इंटरेस्टेड कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। मदर टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो एक्टिविटीज सैलरी की बात करें तो देखिए, जो सैलरी है आपके प्रेफरेंस एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और आपकी योग्यता के हिसाब से आपको मिलेगी। तो देखिए सकते हैं अकाउंटमेंट्स एंड अदर्स फैकल्टी एंड प्रोवाइड फेंस रिटर्न स्पोकन इंग्लिश इज मस्ट। जो भी फैकल्टी होगी उसके स्पोकन को रिटर्न अच्छा होना चाहिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे मैं अप्लाई पोस्ट मेल पोस्ट माल के माध्यम से आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे मेल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, प्यार से कमेंट करके बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन आए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने की कोशिश करूँ।